नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं इंदौर सहित मध्य प्रदेश और देश भर की कुछ खास चुनिंदा खबरें। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ब्राह्मण पिता पुत्र ने घटना के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन पर मेहगांव के ही पाटीदार परिवार और धामनोद पुलिस ने झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित किया था। इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। इस घटना से पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले धामनोद में भी ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पाटीदार परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण तो दर्ज कर लिया था, लेकिन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसे लेकर समाज जनों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। गुरुवार दोपहर सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM प्रताप कुमार अगस्या को ज्ञापन सौंपा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं समाजजनों ने शासन से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। ज्ञापन का वाचन सर्व ब्राह्मण समाज के सचिव दिलीप शर्मा और रविंद्र दुबे ने किया। निर्बल सिंह ठाकुर, NS ठाकुर, थाना धामनोद प्रभारी अमित कुशवाहा सहित समस्त स्टाफ के द्वारा पंडित अजय दुबे वो उनके तानाशाही धामनोद पुलिस की तानाशाही दोषियों पर सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा मेघाव परिवार दुबे परिवार के विरोध में कार्रवाई के लिए SDM और SDO को ज्ञापन दिया गया। 2024 से 1924 तक जो है लगातार पंडित अजय दुबे तथा पंडित शशांक दुबे, जो कि CA की पढ़ाई कर रहा था, इन दोनों पिता पुत्र को लगातार धमकाया गया तथा प्रताड़ित किया गया थाना धामनोद के द्वारा। और उसके पश्चात जो है 19 तारीख को इनसे 10 लाख रुपए एक स्टाम्प और थाने हेतु जो है 5 लाख रुपए की राशि मांग की गई। ये थी हमारी आज की खास खबरें। कुछ चुनिंदा और खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज़।